जैन दोस्तों, दोस्तों अभी जो अपनी दो क्लासे एप्लीकेशन में कंप्लीट हुई थी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम था और न्यूट्रिशन था। यहाँ से क्या होता है, जब भी हमारा आरवी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम लगता है, हमेशा दो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले जो हमारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो एग्जाम हुए थे वहां पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले। ये मान चलना हम यहाँ पे 60 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका आर्मी नर्सिंग का एग्जाम हुआ था वहां पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भाई ये 60 क्वेश्चन नोट कर लेगा, और इसके साथ साथ जो पॉइंट यहाँ पे बताए जाएंगे क्वेश्चन के, जो ये सारे क्वेश्चन के पॉइंट भी नोट करते चलेगा और ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेगा, ये बात चल रहा है कि आप जो बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन 15 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। यानी कि दो क्वेश्चन आज की क्लास से, जो इसके दो पार्ट में पूरी क्लास हमारी कंप्लीट होगी, आज एक क्लास चलेगी, एक क्लास कल चलेगी। अगर ये आप 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेते, दो क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों कई भाई ये भी कमेंट करते हैं, सर हम लोग कमेंट क्या करते हैं, सर आप वहां पे रिप्लाई नहीं देते। तो भाई कोई अगर आपका सवाल भी होता तो जो ये स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर आपका ये शो कर रहा है, इस पे मुझे व्हाट्सएप पे आप कोई भी आपका क्वेश्चन होता आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई वहां पे जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है कि जितना भी टाइम अपने पास रहता है, मेरा मकसद बस यही रहता है कि उस टाइम को आपका बर्बाद बिल्कुल ना हो, और उतने टाइम में ये मान चलना कि जितने क्वेश्चन कराऊं उससे ज्यादा सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने वाले मिल सके, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ। ये मान चलना कि अगर इस क्लास में आपके 25 भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो इस 25 क्वेश्चन से कम हम लोग ये चाहते हैं कम से कम आपके इस क्लास से 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। और ये सारा तभी हो पाएगा जब हम लोग कंटिन्यू इस क्लास को वहां पे करेंगे। अगर आपका कोई सवाल भी होता है, अब जो ये व्हाट्सएप हमारा नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे कोई भी आपका सवाल हो आप हमसे पूछे, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे क्लास चलती है, ये टाइम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वहां पे होता है, तो इस क्लास में पूरा फोकस करिए कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाए सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। जो ये सर क्लास कराएंगे यहाँ पे जो जो पॉइंट ये बताते जाए सारे पॉइंट आप बिल्कुल नोट करना, यकीन मान चलना यही दो क्लासों से आपके एग्जाम में कम से कम दो क्वेश्चन जो बायोलॉजी के होंगे वो 100% वहां पे क्लियर हो जाएंगे। और कोई अगर आपका डाउट होता तो जो व्हाट्सएप नंबर शो कर इसमें जो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। आइए सर आगे क्लास करिए आप। आज सर तो आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द विटामिन बी। जो विटामिन बी है ना, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, थियामीन। ठीक है, विटामिन बी, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी 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 रोग किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम या दूसरा नाम क्या है, थियामिन। हीमोग्लोबिन क्या है, ये आरबीसी में पाया जाता है, और हीमो इसमें क्या है, हीम क्या है, हीम है आयरन पार्ट, और ग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन है प्रोटीन, और जो आयरन है, आयरन क्या है, हीम पार्ट है। और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या है, जो राइबोफ्लेविन है वो क्या है, विटामिन 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 बी टू का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है जैसे कि हाथ, अपने हाथ और जीभ और ये तुम्हारा ओंठ, ये क्या है, फटने लगते हैं। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, चिलियोसिस, चिलियोसिस। तो विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, चिलियोसिस। और डेक्सट्रोज क्या है, डेक्सट्रोज एक मोनोसेक्राइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। जो भोजन है तो भोजन के डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो भोजन के डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, एंजाइम क्या है कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको तेज कर देते हैं। एंजाइम का काम क्या है कि जो केमिकल प्रोसेस होती है उसको फास्टन करना और उसको करने के लिए प्रमोट करना, ठीक है। और वाटर की भी नीड बॉडी को होती है डाइजेशन में, ठीक है। और मिनरल्स की भी यूज हम लोगों को होता है खाने के लिए। मिनरल्स हमें बहुत से ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे क्या हैं, मिनरल हैं जो हम लोगों की बॉडी को चाहिए होते हैं बॉडी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सलाइवा है, सलाइवा सीक्रेटेड फ्रॉम द माउथ डाइजेस्ट, मुंह से पचने के लिए जो सलाइवा है ना वो निकलता है, तो वो क्या है, तो सलाइवा क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। सलाइवा क्या है, एक प्रकार का सलाइवा क्या है, एंजाइम है। इसमें आंसर गलत दिए हुए हैं, क्या है, एंजाइम है, ठीक है। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, वो है टाइलिन, टाइलिन। और टाइलिन किसकी डाइजेस्ट करता है, मतलब डाइजेशन किसकी करता है, कार्बोहाइड्रेट की, कार्ब्स की, ठीक है। तो कार्ब की डाइजेशन कौन करता है, टाइलिन। और सलाइवा में एक और एंजाइम पाया जाता है, वो कौन सा, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जैसी का नाम क्या है, टाइलिन का एक और दूसरा नाम क्या है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज। और इसमें एक एंजाइम सलाइवा में और कौन पाया जाता है, माल्टेज, माल्टेज। और ये भी क्या करता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक। और जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, प्लांट फूड है, प्लांट फूड, प्लांट फूड मतलब कि पौधों का भोजन है। और जो फैट है, एक ग्राम फैट खाने से कितनी एनर्जी मिलती है, एक ग्राम फैट से कितनी मिलती है, 9.2 कैलोरी एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। और विटामिन क्या है, विटामिन की घोषणा किसने की थी, पंख ने। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, बी एंड सी, और फैट सोल्यूबल कौन से, के ई डी ए, ठीक है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हम लोगों का सेल ग्रोथ के लिए चाहिए, सेल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सेल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, मतलब कि जो हमारी कोशिका है, कोशिका की वृद्धि के लिए सेल, टिश्यू रिपेयर के लिए क्या चाहिए, टिश्यू रिपेयरमेंट कौन करता है, प्रोटीन, रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिससे दो रोग हो जाते हैं, क्या, क्वासरकर एंड मरास्मस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ मैन, मतलब कि मनुष्य के पेट में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो ए इज द राइट आंसर, जो सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि HCl है, HCl कहां पे पाया जाता है, पेट में, यानी कि स्टमक में पाया जाता है, ऑक्सेंट्रिक सेल में, ऑक्सेंट्रिक सेल में। और HCl का काम क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, एसिडिक मीडियम, मीडियम प्रोवाइड, मतलब कि अम्ली, अम्ली माध्यम प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होते हैं, अम्ली माध्यम, माध्यम जिससे क्या होता है कि जो एंजाइम, जो गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में एक ग्लैंड होती है, पाइलोरिक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड होती है कहां पे, स्टमक में, ये हमने बताया था ना पढ़ाते में, जब पढ़ा रहे थे ना तब बताया था, पाइलोरिक ग्लैंड, या इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या दो प्रोटीन निकलते, दो एंजाइम निकलते थे, कौन से, पेप्सिन और
कौन से एंजाइम निकलते थे? पेप्सिन एंड रेनिन। ठीक, पेप्सिन और रेनिन कहां निकलते थे? तो इनके एक्टिवेटर, इनका एक्टिवेटर कहां से होता है? एसिटिक मीडियम से। जो कहां निकलता है? पेट में, एससीएल से। और एससीएल कहां से निकलता है? जो स्टमक में सेल कौन से पाए जाते हैं? ऑक्सेंट्रिक सेल। कहां पे पाए जाते हैं? स्टमक में। स्टमक में ऑक्सेंट्रिक सेल पाए जाते हैं, वहां से एससीएल निकलता है। एससीएल का काम क्या है? एसिटिक मीडियम प्रोवाइड करना। और एसिटिक मीडियम प्रोवाइड क्योंकि प्रोवाइड होता है, उससे क्या होता है? अम्लीय माध्यम से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है पेट में ही, तो उससे क्या निकलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वहां से निकलते हैं दो एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। और ये डाइजेशन किसका करते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। प्रोटीन का पाचन कौन करते हैं? ये दोनों एंजाइम। कहां पे? स्टमक में। और जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम का काम क्या है? प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन का। मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? मिल्क प्रोटीन, मतलब कि दूध की जो प्रोटीन होती है कैसिनोजन, उसका डाइजेशन कौन करता है? यह रेनिन एंजाइम। ठीक है। और एससीएल का काम क्या है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, बैक्टीरियल। ठीक, मतलब कि जीवाणुओं का खत्म करता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड ने, यह है एससीएल। बी आंसर है, बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl। और जो नाइट्रिक एसिड है वो एसिड रेन में यूज होता है। एसिड रेन में कौन सा यूज होता है? नाइट्रिक एसिड, मतलब कि HNO3। ठीक है। और जो पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड क्या है? पिक्रिक एसिड एक विस्फोटक पदार्थ है, ना कि पिक्रिक एसिड है। ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहां होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है, इसे कहते हैं क्या? किंग ऑफ एसिड। ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेजिटेबल आर स्पॉइल्ड बिकॉज दे कंटेन रिच अमाउंट ऑफ। सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? वाटर। और वाटर में क्या होगा? वाटर अगर होगा तो उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ, जिससे क्या होगा? वो सब्जियां खराब हो जाएंगी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब 50% जो है, 50% ऑफ एनर्जी कहां से मिलती है अपनी बॉडी को? कार्ब से एनर्जी। ठीक है। और विटामिन क्या है? विटामिन जो है वो क्या है? दो प्रकार की होती है, एक वाटर सोल्युबल और एक फैट सोल्युबल। एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है वो रिएक्शन को तेज करने के लिए जरूरी होते हैं और रिएक्शन करने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया खोज किसने की थी? आइवनो, यानी वायरस की खोज किसने की थी? आइवनोवस की। और बैक्टीरिया खोज किसने की थी? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following organ convert glycogen into the glucose and purify blood? निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में प्यूरिफायर रक्त में परिवर्तित करता है? तो उसका काम क्या है? वो कौन करता है ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट? वो करती है लिवर। ठीक है। लिवर क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है। और किडनी क्या है? किडनी करती है प्लाज्मा, जो ब्लड में पाया जाता है ना प्लाज्मा, उसका फिल्ट्रेशन क्या करती है? किडनी। और किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट। और जो ये क्या है ड्यूडेनम, ये गलत लिखा है, ड्यूडेनम में क्या है? मैक्सिमम
मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, ड्यूटेनम में, जो जिसमें बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस और जो छोटी आंत का जो इंटेस्टाइनल जूस, वो तीनों जूस कहाँ पे मिलते हैं, ड्यूटेनम में। और जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत है जो, उसमें क्या होता है, छोटी आंत में तीन पार्ट में होती है ये, ड्यूटेनम, जुजनम और इलियम, ठीक है। और छोटी आंत में क्या होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मतलब कि जो हम लोग खाएंगे उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा छोटी आंत में, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। और फाइनल डाइजेशन किसमें होगा, फाइनल डाइजेशन किसमें होगा छोटी आंत में। और क्यों होता है फाइनल डाइजेशन और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे क्या कहते हैं, विल्लाई पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया छोटी आंत का बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होता है, खाने में जो भी मिनरल्स हैं और जो भी फैट, कार्बन जो भी है, उसका अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा तभी होता है। और छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर से ज्यादा होती है, 6+ मीटर होती है, ठीक है। और जो है बड़ी आंत, जो एक छोटी आंत और जो लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें क्या होता है, उसमें केवल क्या होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन। तो वाटर अब्जॉर्प्शन केवल कहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और लंग्स में, लेफ्ट लंग में क्या होता है, कार्डियक नोड, जहां पे क्या होता है, हार्ट अपना होता है। हार्ट कहां पे होता है, लेफ्ट लंग की कार्डियक नोच में, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो लंग्स है, लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स है ना, लंग्स में एक चीज होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे एक्सचेंज होते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, एल्वोलाई जो होती है, जहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ठीक है। और किडनी की स्टडी क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी, लिवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर इसमें से कौन सी है, स्वीटेस्ट शुगर है फ्रक्टोज बताया था ना, फ्रक्टोज क्या है, स्वीटेस्ट शुगर। और ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स, ठीक। फ्रक्टोज क्या है, स्वीटेस्ट शुगर बताई दिया, और फ्रूट शुगर भी इसे कहते हैं, फ्रूट शुगर, ठीक है। और माल्टोज क्या है, माल्ट शुगर, जो किससे मिलके बना है, माल्ट शुगर किससे बना है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ठीक, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलकर क्या बना है, माल्ट शुगर, ठीक। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज को क्या कहते हैं, टेबल शुगर, या जो हम लोग खाते हैं ना, वो क्या होती है, टेबल शुगर, या केन शुगर, या ऐसे क्या कहते हैं, सुक्रोज, ठीक। ये क्या, ये किससे बनती है, 1 यूनिट ग्लूकोज प्लस 1 यूनिट फ्रक्टोज से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है, मतलब कि डाइसेक्राइड है, 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, और ये क्या है, डाइसेक्राइड, तो ये 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, डाइसेक्राइड। टेबल शुगर क्या है, डाइसेक्राइड, जो कि ये क्या है, और ग्लूकोज और मेनो, ये मोनोसेक्राइड है ना, दो, तो इससे मिलके क्या बन जाएगा, डाइसेक्राइड। इसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, ठीक। और बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वीटेस्ट यूज्ड बाय द डायबिटिक एनर्जी कंटेंट इज, जो स्वीटेस्ट है, जो डायबिटीज का जो चीनी होती है ना, उसमें क्या यूज होता है, स्वीटेस्ट,
इसमें कितनी कैलोरी होती है, इसमें क्या कैलोरी होती है, जीरो कैलोरी, जीरो कैलोरी होती है, लेकिन ये मीठा बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक द फैट प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, निम्न में से कौन सा जो ऑर्गन है वो क्या है जो फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, तो ये कौन करता है, लिवर। ठीक है, लिवर करता है। ठीक, लिवर क्या करता है, लिवर से क्या निकलता है, बाइल जूस। ठीक, बाइल जूस निकलता है, ये क्या करता है, फैट का जो क्या करता है, एमल्सीफिकेशन का मतलब क्या है, फैट को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, एमल्सीफिकेशन ऑफ फैट। ठीक, और जो एक्स्ट्रा बाइल जूस है, एक्स्ट्रा जो बाइल जूस निकलता है ना लिवर से, जो खाने में फैट होता है उसका डाइजेशन करता है, और फैट के डाइजेशन क्या कहते हैं, एमल्सीफिकेशन। और जो एक्स्ट्रा बाइल जूस होता है, बाइल जूस वो कहां पे स्टोर होता है, वो होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। ठीक, बाइल जूस। और जो इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ी लिया, किडनी के बारे में पढ़ी लिया, फंक्शनल यूनिट इसकी क्या है, नेफ्रॉन। और ठीक है, बस ठीक, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, किडनी है ना, जैसे कि ये दो किडनी है, तो किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है, इससे क्या निकलता है, एपीनेफ्रिन निकलता है, एपीनेफ्रिन, इसको क्या कहते हैं, एपीनेफ्रिन, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, क्या है, एड्रेनल ग्लैंड से क्या निकलता है, एपीनेफ्रिन हार्मोन। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, और जो ये हार्मोन है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, और इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं, क्या, 3F हार्मोन, मतलब कि फाइट, फ्लाइट एंड फियर, मतलब जब हम लोग या तो लड़ाई करते हैं या ऊंची हवा में होते हैं या किसी से डरते हैं, तो कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड से, एपिनेफ्रिन। और इसे इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट बीट को, ये क्या करता है, हार्ट बीट को इमरजेंसी हार्मोन इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट बीट को क्या कर देता है, तेज। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जब कोई अगर बीमार है जिसकी धड़कन बंद हो गई, तो डॉक्टर किसका इंजेक्शन लगाते हैं, एपिनेफ्रिन का। ठीक है, जिससे क्या है, उसकी हार्ट बीट जो है वो चलने लगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये हार्ट बीट को तेज करता है। ठीक है, लंग्स के बारे में पढ़ चुके, लिवर के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। विटामिन क्या है, द वॉशिंग ऑफ द पील्ड वेजिटेबल रिमूव द विटामिन ऑफ, छिलके वाली सब्जियों को धोने से किस विटामिन को निकल जाती है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर है क्या, सी, विटामिन सी का लॉस होता है, क्योंकि क्या होता है, जो विटामिन है ना, विटामिन में दो पार्ट होते हैं ना, एक वाटर सोल्युबल, वाटर मतलब जल में घुलनशील, और एक फैट सोल्युबल, तो वाटर सोल्युबल कौन से, बी और सी, और बी और सी में क्या है, वाटर सोल्युबल है, तो इनका लॉस भी सबसे ज्यादा होता है, और क्योंकि पानी धुलते हैं तो विटामिन सी जो पानी में घुल के वो निकल जाता है, और बी का उसके बाद, सी का सबसे ज्यादा लॉस होता है, सबसे ज्यादा लॉस। ठीक, और उसके बाद बी का, विटामिन बी। ठीक, और जो फैट सोल्युबल है वो कौन सी है, के बी ए। ठीक है, और विटामिन सी का वो केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी का, जिसे क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, और इसे क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन। ठीक है, और विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक, और हड्डियों में पाया जाता है कौन सा विटामिन, डी। और विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक, और विटामिन ई को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी। ठीक, इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता। और विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन।
विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। इससे क्या हो जाते हैं? दो रोग, रतौंधी, रतौंधी और एक आंखें सूखी हो जाती हैं, आंखें सूखी होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी कॉजेज, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी, और विटामिन बी का नाम क्या है? थियामीन, थियामीन। और डर्मेटाइटिस, टाइटिस का मतलब क्या होता है? टाइटिस का मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब सूजन, जहां पे आइटिस वर्ड लगा है ना, आइटिस, उसका मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। तो डर्मेटाइटिस मतलब कि स्किन, डर्म माने स्किन, तो डर मतलब स्किन की सूजन को डर्मेटाइटिस कहते हैं। और ये स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोन इंसुलिन इज, इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन है एक पेप्टाइड, ठीक है। जो इंसुलिन हार्मोन है, जो निकलता कहां से है? इसलेट ऑफ, इसलेट ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस की द्वीप का, लैंगरहंस की द्वीप का से क्या निकलता है? वो भी कहां से? बीटा सेल से। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन, 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 ठीक। और इंसुलिन का काम क्या है? जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसे ग्लूकोज को, ग्लूकोज को जो रिजर्व एनर्जी है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में। और जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स है ना किसके? पैनक्रिया के, ये है किसके? पैनक्रियाज के, पैनक्रियाज, पैनक्रिया का जो स्लेट ऑफ लैंगरहंस पार्ट है ना, पैनक्रिया में दो पार्ट है, एक इसलेट ऑफ लैंगरहंस, वहां से क्या निकलता है? बीटा सेल, वहां इसलेट ऑफ लैंगरहंस, उसकी बीटा सेल से इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। और इसमें एक और सेल होती है अल्फा, और एक सेल होती है डेल्टा, ठीक, डेल्टा। तो अल्फा सेल का काम क्या है? ग्लूकागोन हार्मोन निकालना, ग्लूका, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या है? कि जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में, ठीक। और डेल्टा सेल से क्या निकलता है? सोमेटो स्टेटिन, ठीक। सोमेटो स्टेटिन क्या करता है? कि जो ये अल्फा और बीटा सेल्स हैं, ये सही से वर्क कर रहे हैं, ये देखता है कि मतलब इनके जो हार्मोन है वो सही से निकल रहे हैं कि नहीं। और पैनक्रिया एक क्या है? मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड, ओनली एक मिक्स ग्लैंड है, जिससे क्या हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? अब हार्मोन तो ये हो गए तीनों, एक ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। और एंजाइम तीन कौन कौन से निकलते हैं? एंजाइम, एंजाइम, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड है ना, तो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलेंगे। तो एंजाइम तीन कौन कौन से निकलते हैं? एक निकलता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन। और एक क्या निकलते हैं? और है अमाइलेज, अमाइलेज और एक लाइपेज, ठीक है। तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और जो लाइपेज है वो किसका? फैट का डाइजेशन करता है। तभी तो पैनक्रिया के जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, जिसमें ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, तभी इसे क्या कहते हैं? क्योंकि ये फैट कार्बोहाइड्रेट और उसका प्रोटीन का डाइजेशन करे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड कहां पाए जाते हैं? प्रोटीन के बीच में, ठीक है। और फैटी एसिड से, चलो ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं। ए पर्सन फीड ऑन द राइस एंड वेजिटेबल, वेजिटेबल मेड अप ऑफ पोटैटो ओनली, ही इज लाइकली टू बी सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब एक व्यक्ति है जो केवल चावल और वेजिटेबल और पोटैटो, मतलब कि चावल, सब्जियां और आलू खा रहा है, तो उसके मतलब उसमें किसकी कमी होगी? जब ये तीन चीजें खा रहा है, तो वेजिटेबल से उसे विटामिन मिल जाएगा, ठीक है, और राइस से उसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, इससे भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, तो उसमें
किसकी कमी रहेगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि इनमें कार्ब ज्यादा होता है। पोटैटो और राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, और वेजिटेबल्स से विटामिन मिल जाएगा लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन का सोर्स क्या रहता है, जैसे कि एग्स है, सोयाबीन है, ठीक है, ये क्या है, पीनट है, ये क्या है, प्रोटीन के अच्छे सोर्स है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, मतलब निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है, तो टाइलिन जो कि कहां सलाइवा में पाया था, ये भी एंजाइम है। पेप्सिन ये कहां से, स्टमक में निकलता है, ठीक है। ट्रिप्सिन ये पैनक्रेटिक जूस में होता है। ऑक्सीटोसिन ये नहीं है, ये क्या है, ये हॉर्मोन है, ठीक, हॉर्मोन। और इस ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो वेजिटेबल होती है ना, उसमें क्या है, उसे बड़ा करने के लिए कुछ का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और जो काऊ होती है ना, काऊ या बफेलो, उनमें क्या होता है, ज्यादा दूध दुहने के लिए किसका, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ट्रिप्सिन किसमें पाया जाता है, पैनक्रिएटिक जूस में, ठीक है, जो प्रोटीन डाइजेशन करता है। पेप्सिन पाया जाता है कहां पे, पेप्सिन पाया जाता है स्टमक में, ठीक, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और जो टाइलिन पाया जाता है कहां पे, सलाइवा में, ठीक, सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है, जो कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इट इज ऑब्टेंड बाय ये प्रोसेस कॉल्ड, मतलब जीवन में रखरखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसकी एक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे, इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ इज, इस प्रोसेस को, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की होती है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है, ये ऑक्सीजन की अब्सेंट में होती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ, ग्लूकोज जो है वो टाइप ऑफ हेक्सोसुगर है, ठीक है, हेक्सोसुगर। अब क्यों है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और इनटू CH2OH, ये ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो इसमें कार्बन कितने हुए, एक तो एल्डिहाइड ये ग्रुप हो गया, इसमें एक कार्बन और चार ये कार्बन, 4 है ना, तो 4 एक 5 और ये 6, तो ये कितना, 6 कार्बन का है, तो उसे क्या कहते हैं, हेक्स, क्योंकि एक को क्या कहते हैं, एथ मैथ प्रोब्यूट हेक्स एप नॉन डेक, तो हेक्स को क्या कहते हैं, 6 मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, ठीक, 4 को, ये काउंटिंग है केमिस्ट्री में, जब IUPAC पढ़ेंगे तब उसमें होता है, ये ब्यूट और ये 5 पेंट है और 6 क्या है, हेक्स है। तो हेक्स है इस वजह से, क्योंकि कार्बन सिक्स का नाम क्या है, हेक्स, तो इसी वजह से ये हेक्सोसुगर है, पेंटोसुगर जिसमें 5 कार्बन होंगे, ठीक, और टेट्रोज मतलब जिसमें 10 होंगे, डायोज मतलब जिसमें 2 होंगे, या डू डाई ट्राई ऐसे भी होते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी जो है ना, जो लिवर में कैसे स्टोर होती है, जो लिवर है ना, लिवर में एनर्जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, तभी तो ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, रिजर्व एनर्जी। और ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में और मसल दो जगह स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन को रिवर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और जो लिवर है ना, लिवर में क्या, विटामिन के का क्या होता है, सिंथेसिस, मतलब विटामिन के बनती है, और क्या बनता है, यूरिया बनता है, ठीक। और जो लिवर है क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी और लिवर में क्या होता है, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक हेपरिन और एक फिब्रिनोजन,
फिब्रिनोजेन, ठीक है। हैपन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, कहां, बॉडी के अंदर, बॉडी इनसाइड। और फाइब्रिनोजेन क्या है, ब्लड क्लॉट कराता है कहां, बॉडी के बाहर, आउटसाइड बॉडी, ठीक है। और ब्लड में क्या, और जो यूरिया बनता है वो क्या, ऑर्निथिन साइकिल से, ऑर्निथिन साइकिल से, ठीक है। और जो लिवर है, लिवर की सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। और लिवर की स्थिति को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। और क्या लिवर के बारे में, ठीक है, इतना है। और जो यूरिया है, यूरिया क्या है, फर्स्ट कंपाउंड है जो कहां पे बना है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कंपाउंड, ठीक, NH2CO, ठीक है। और जो मसल्स है, मसल कितनी है अपने बॉडी में, 639 मसल्स है, और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और मायोसिन जो प्रोटीन है, एक प्रोटीन होता है मायोसिन, तो वो कहां पाया जाता है, एक्टिनोमायोसिन, कहां पे, मसल्स में, ठीक है। और प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देती है, 4.1 ग्राम कार्ब से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से 5.65 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और फैट से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, 50% ऑफ एनर्जी कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। और रिजर्व एनर्जी ग्लाइकोजन को कहते हैं, जो कि हम लोगों को जब कमी होती है ग्लूकोज की, तो ये कन्वर्ट होके ग्लूकोज बन जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ये कहां पे होता है, सेल के प्रोटोप्लाज्म में, ठीक। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो कहां पे होता है, तो वो सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे क्या कहते हैं, विलाई, जो क्या करते हैं जो एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है किसका, खाने का, ठीक है, खाने में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन होता है किससे, विलाई के कारण, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसके पार्ट कौन से हैं, एक ड्यूडेनम और इलियम, और इसके पार्ट कौन से, इसके लार्ज इंटेस्टाइन के, एक सीकम कोलन, एक होता है सीकम, एक कोलन, और एक रेक्टम, क्या कहते हैं, रेक्टम, ठीक। रेक्टम में क्या होता है, एनस, जिससे फीकल मटेरियल निकल जाता है बाहर। और कोलन तीन पार्ट का होता है, एक असेंडिंग, डिसेंडिंग और मध्य वाला। और सीकम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसे क्या कहते हैं, सीकम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, जैसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। और अपेंडिक्स की इंफ्लामेशन को क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस, क्योंकि आइटिस वर्ड सूजन के लिए होता है। और ये एक कौन सा ऑर्गन है, अपेंडिक्स एक कौन सा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब कि अवशेषी अंग है, और ठीक है, और अपेंडिक्स, ठीक है, नेक्स्ट। और स्टमक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें कौन सी, पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम निकलते हैं, स्टमक से जो जूस निकलता है उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। पैनक्रिया से ट्रिप्सिन, अमाइलेज और माल्टेज और लाइपेज एंजाइम निकलते हैं, जो कि डाइजेशन में पार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज ऑफ विटामिन डी, जो रिकेट्स है ना, रिकेट्स वो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो ये किसका पार्ट है, रिकेट्स किसका पार्ट है, बोन का, क्योंकि बोन में जो डिजीज हो जाती है उसमें दो होती है, वो विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सी
फेरोल, ठीक है, और रिकेट्स जो है वो रिकेट्स होती है जो कहां होती है, बच्चों में, और ऑस्टियो मलेशिया क्या होती है, बड़ों में, ठीक है, बोन का कमजोर होना, ठीक है। और ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, 5.5 लीटर, और ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4, और ब्लड में तीन प्रकार सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये डिफेंस के लिए काम करती है, इम्यून सिस्टम के लिए, और आरबीसी हमें रेड कलर का, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में सहायक है। और हेयर है, हेयर में एक प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन, केराटिन प्रोटीन, ठीक, जो कि हेयर और नेल्स में पाई जाती है। और जो विटामिन B7 है ना, B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, बायोटिन, ये भी कहां पाई जाती है, हेयर और नेल्स में, ठीक है। स्किन क्या है, अपने बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्या है, स्किन, ठीक है। बोन की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोक्लास्ट बोन बनाने वाले स्ट्रक्चर। और बोन किससे बनती है, कैल्शियम और फॉस्फेट से, ठीक है। और एक फ्लोरीन कंजप्शन से डिजीज बोन में हो जाती है, फ्लोरोसिस, ठीक है, स्केलेटल फ्लोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लिम्ब बोन ऑफ चिल्ड्रन बिकेम बेंट इफ देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो क्या है, बच्चों में हड्डियां झुक जाती हैं किस कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक। विटामिन ई को टोकोफेरोल, जो कि किसकी इनफर्टिलिटी इससे हो जाती है, इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को संतान विटामिन, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, इसकी कमी से क्या हुआ, यही रोग हो गए, एक रिकेट्स, एक ऑस्टियो मलेशिया, जो रिकेट्स है वो ये है जो पूछा गया है। और विटामिन बी है, विटामिन बी का थियामिन नाम है, और इसकी कमी से बेरी हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोथैल्मिया। तो यहां तक हम लोगों ने देखा, अब इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, इसके जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। और इस टॉपिक से आपके दो क्वेश्चन, कम से कम मिनिमम दो क्वेश्चन आपके बनने हैं, जो इतने क्वेश्चन कराए इनमें से दो क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे।